ये दीवारियां हम पहुंच गए हैं और यहीं से रती गली झील का रास्ता है। बड़े बाइकर्स जो हैं वो भी इस झील पे बाइक पे नहीं जा सके, उन्हें भी अपनी बाइक जो है वो रास्ते में खड़ी करके तो जीप पे जाना पड़ा। ये कुछ बाइकर्स मुझे मिले हैं जो कि वो भी आधे रास्ते से वापस हो गए हैं, पर वाह पिया जाने ते राह पिया जाने ते सिराए पै गए हैं जी। थोड़ी जीप उधर चल लो, इस तरह के ट्रैक्स। पंगा तो ले लिया हमने, बड़ा मुश्किल हो रहा है और थोड़ा बाइक को भी ठंडा कर रहे हैं। वो दूर वाइड जो वो पानी आपको दिख रहा है वहाँ से, ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी जो हम अभी चढ़ के आए हैं। और हेलो गाइस, मैं इस वक्त हूँ अपर नीलम में। इसकी पहले भी वीडियो बना चुका हूँ, वो वीडियो भी आपने देखी है। इधर स्टे करने का एक मकसद था क्योंकि आज प्लान है रती गली करने का और अब हम तैयार हो गए हैं और रती गली के लिए निकल रहा हूँ। और ज़बरदस्त मौसम है आज, धूप निकली है लेकिन हवा ठंडी है और ये जगह तो है ही बहुत प्यारी। आपको पता है ग्रीन पहाड़ है, सामने मकबूजा कश्मीर है और इस होटल में रहे थे। अच्छा जी, अब आपसे जो मैं कहना चाहता हूँ, जो अपनी हर वीडियो में कोशिश करता हूँ कहता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और लाइक भी करें और हो सकता है तो शेयर भी करें और बेल आइकन को आप क्लिक करें ताकि मेरी वीडियोस आपको मिलती रहे। मैं इस तरह की खूबसूरत जगहों को डिस्कवर करता हूँ, आता हूँ और आपसे शेयर करता हूँ बस, और कोशिश करता हूँ उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर करूँ ताकि आप अपडेट रहें अगर कोई भी आना चाहता है फैमिली के साथ या अकेला भी। अब भी मैं आपको सारी रती गली का ट्रैक भी कोशिश करूँगा दिखाऊँ और उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँ। पहले भी आए थे यहाँ पे लेकिन हमने रती गली को मिस किया और रती गली ने की और वहाँ पे तौबट ने किया, जो कि इस बार आपको मैंने वो सारा जो है ना वो वीडियो भी उसकी दिखाऊंगा। मैंने उसका ट्रैक वगैरह सब बनाया है। ये हमारी बाइक्स खड़ी हैं यहाँ पे, अब बस निकलेंगे और कोशिश करेंगे कि टाइम से वहाँ पे पहुँचें और ट्रैक के बारे में आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे सकूँ। थैंक यू। ये अपर नीलम वैली का व्यू दिखाता हूँ मैं आपको, 360 का व्यू, बहुत ही खूबसूरत वैली है। ये सामने मकबूजा कश्मीर है और सरसब्ज पहाड़ हैं, यहाँ पे बहुत ही आला व्यू है। ये दीवारियाँ हम पहुँच गए हैं और यहीं से रती गली झील का रास्ता है। ये आगे से लेफ़्ट को जा रहा है और हम भी लेफ़्ट हो गए हैं। ये जी रती गली का ट्रैक शुरू हो गया है, यहाँ से तो कारपेट है। असल में इस टूर पे आने से पहले मैंने कुछ इस ट्रैक के व्लॉग देखे थे तो उसमें तो जी बहुत ही डेंजरस ये रास्ता लगा है। बहुत से बड़े बाइकर्स जो हैं वो भी इस झील पे बाइक पे नहीं जा सके, उन्हें भी अपनी बाइक जो है वो रास्ते में खड़ी करके तो जीप पे जाना पड़ा। तो अब हमें नहीं पता कि हम जा सकेंगे कि नहीं। ये तो अब यहाँ पे आ गए हैं, पता चलेगा कि बाइक्स जाएंगी हमारी कि नहीं, लेकिन हम दोस्तों ने फैसला कर तो लिया है कि हम बाइक्स पे ही जाएंगे। ये तो अब आगे जाएंगे तो पता चलेगा। यहाँ से तो ये कारपेट है, अगर ऐसा ही हो तो क्या ही शानदार बात है। ये कुछ बाइकर्स मुझे मिले हैं जो कि वो भी आधे रास्ते से वापस हो गए हैं, पता नहीं कि कहाँ से वापस हुए हैं, लेकिन उनसे मैंने पूछा तो वो कह रहे हैं जी बहुत टफ है तो हम वापस जा रहे हैं। अभी सुबह सुबह का टाइम है, वो एक पंजाबी की कहावत है ना, वाह पिया जाने ते राह पिया जाने ते सिराए पै गए हैं जी। हूँ देखते हैं साढ़े ना की होता है, वरना ये बाइकर्स ने भी डरा दिया है लेकिन हम बाज नहीं आएंगे। थोड़ी जीप उधर चल लो, आने दो भाई आने दो। हाँ जी गुजर जाएगी, गुजर जाएगी। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ
आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, शाबाश शाबाश शाबाश, आ जाओ आ जाओ, मेहरबानी है। यहाँ तो जी ऐसे ही गुजरना पड़ेगा, रास्ता जो है बड़ा नैरो हो गया है और अब सिर्फ पूरी जीप का एक रास्ता है, बाइक भी नहीं गुजर सकती साइड से। तो अब ऑफ रोडिंग स्टार्ट हो गई है, अब मेरे ख्याल से वो जो टफ़ ट्रैक है ना वो अब स्टार्ट हो गया। अब जो जो हम ऊपर जाएंगे, क्योंकि मैंने इस तरह के ट्रैक्स किए हैं तो मुझे अंदाज़ा है कि मैं ना काफ़ी करीब हो गया था बाइक के, थोड़ा सा गैप रख के तो फिर जाना चाहिए, ऐसे ब्रेक लग जाती है। तो अब जो जो हम ऊपर जाएंगे तो ये मज़ीद टफ से टफ होता चला जाएगा, क्योंकि मैंने जितने भी नॉर्दर्न एरियाज़ में इस तरह के ट्रैक किए हैं उनमें होता है ऐसे ही है। अभी तो काफ़ी पत्थर हैं, आगे देखें, अगर साथ में चढ़ाई भी शुरू हो गई तो फिर मुश्किल हो शुरू हो जाएगी। ध्यान जो है वो ट्रैक की तरफ रखना पड़ रहा है, और बोलना भी मुश्किल है यहाँ पे, तो फोकस करना पड़ेगा सिर्फ ट्रैक पे। देखते हैं जी हम जा सकेंगे ऊपर तक के नहीं, या कहाँ तक हिम्मत साथ देती है, दोस्त साथ देते हैं। पंगा तो ले लिया हमने, यहाँ पे हम रुके हैं दोस्तों का वेट करने के लिए। रास्ता काफ़ी ख़राब है, बहुत ज़्यादा पत्थर है रास्ते में, बड़ा मुश्किल हो रहा है। आगे चढ़ाई है जी, मैं अपनी बाइक को ज़रा मोशन बना लूँगा और तेज़ी से अब यहाँ से निकलना पड़ेगा। बाइक का मोशन बनेगा तो बाइक निकलेगी। पत्थर बहुत बड़ा बड़ा है ना असल में, तो वो जो है ना बाइक का जो मोशन है वो तोड़ देता है ये पत्थर जो है। चल 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 चल, ठीक है ठीक है ठीक है। बाइक के साथ साथ खुद को भी सांस चढ़ता है। निकल जा निकल जा निकल, बस पत्थरों के ऊपर ही बाइक को चला रहे हैं, कोई रास्ता नहीं है। ये वो सामने जो पहाड़ दिखाई दे रहे हैं इनसे भी ऊपर जाना है मेरे ख्याल से हमने, वो जो सामने पहाड़ हैं। बहुत ज़्यादा टफ ट्रैक है, तो यहाँ पे रुक के एक तो हम अपने दोस्तों का इंतज़ार कर रहे हैं पीछे से, और थोड़ा बाइक को भी ठंडा कर रहे हैं। एक तो रास्ता जो है वो छोटा है और पत्थर बहुत बड़ा है, और दूसरा जो है कि यहाँ पे ना आपको मोशन बनाना पड़ता है आगे से, चढ़ाइयाँ जो हैं वो अब स्टार्ट हो गई हैं, तो यहाँ पे ना थोड़ा मुश्किल हो जाता है चलाना बाइक को। ये देखें, जोर लगाना पड़ रहा है मुझे बहुत ज़्यादा, कोशिश तो कर रहा हूँ कि निकलता जाए, लेकिन बस अगर कोई बड़ा पत्थर आ जाए तो फिर मोशन टूट जाता है। मुझे अंदाज़ा नहीं है कि आपको इस चीज़ का एहसास हो रहा है या अंदाज़ा हो रहा है कि हम कितनी हाइट चढ़ गए हैं। वो दूर वाइड जो वो पानी आपको दिख रहा है वहाँ से, ये बहुत ज़्यादा चढ़ाई थी जो हम अभी चढ़ के आए हैं, और अभी मज़ीद है आगे। ये देखें जीप किस तरह से ऊपर जा रही है, हम रुके इसीलिए कि ये जीप पहले चली जाएँ फिर हम जाएँगे, क्योंकि ये ना हमारा मोशन तोड़ देती हैं जीप्स। हम अपनी बाइक को बना के जा रहे होते हैं तो अब ट्रैक बहुत टफ हो गया। ये हमारे एक दोस्त जो हैं वो जीप पे बैठ गए हैं, उनकी बाइक का एक इशू आ गया तो ये जीप पे बैठ गए हैं, और मेरे ख्याल से ये भी आधा रास्ता हुआ है। जगह बहुत खूबसूरत है यार, जो भी है टफ तो है लेकिन जगह खूबसूरत है।